देखो मोदी अन्ना ते बोला होके बैठा आ ओदी एक एदे च मनसा वा पॉलिसी है ओदी कि मैं पंजाब नू किसे तरह मारा। मजोरिटी दे ऑफिसर रिजाइन देणगे ते बिल्कुल हल निकलूगा क्योंकि सरकार नू चलाउण वास्ते आईपीएस ते आईएएस ही चलाउंदे ने, ना कि इन्हां दे दिमाग अपने ना हैगे ने ते है ही नहीं। अगे हो के जिंदी तन मन धन ते अपनी जान नाल सेवा कर सकांगे ओ करांगे ते फ्रंट ते हर गल गिरफ्तारियां देवांगे, मरन दी लोड़ पई ते मरांगे। खेती कानूनों को लैके जिथे हर एक समाज के वर्ग जिहड़े ने ओ किसानां दे हक दे विच नितरदे हुए नज़र आ रहे हैं, उत्थे ही अज अमृतसर दे विच वी एक्स पुलिसमैन वालों जिहड़ा आ ओ किसानां दे हक दे विच आवाज़ चुकी गई है। तुसीं देख सकदे हो कि अमृतसर दे नावल्टी चौंक के असी मौजूद हाँ, तो लगातार ही कोशिश यही है कि जो किसानों के प्रति जो खेती कानून जिहड़े ने वो पास किए गए हैं वो किसी ना किसी तरीके दे नाल रद्द करवाए जाण, लगातार ही प्रेशर बनाने की कोशिश भी जिहड़ी आ केंद्र सरकार वालों जिहड़ी आ की जा रही है, लगातार ही कोशिश की जा रही है। भाजी लगातार कोशिश तो की जा रही है मोदी से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने वास्ते, लेकिन मोदी गवर्नमेंट सुती क्यों नहीं उठ पा रही? अज तुहाडे वल्लों भी एक्स पुलिस परसन वालों भी जिहड़ा अज किसानों के हक दे विच जिहड़ी आवाज़ चुकी गई है। देखो मोदी अन्ना ते बोला होकर बैठा आ ओदी एक एदे च मनसा वा पॉलिसी है ओदी कि मैं पंजाब नू किसे तरह मारा, क्योंकि पंजाब स्टेट ही है जिहड़ी सब तो अगे फ्रंट ते जाके लड़न वाली है। लेकिन इनू ये नहीं पता कि जा पंजाब दे इतिहास बारे, चाहे तो अन्ना है चाहे बोला है, कि पंजाब का इतिहास की आ, क्योंकि पंजाब दे लोग कुरबानियां हमेशा देंदे रहे ने ते देंदे रहेंगे ते देंगे। मत ये भुल जे इहदा मैं एक निका जिहा बयान पढ़िया कि ये वो लोग कित्थे जिहड़ियां कुरबानियां देंदे हन, समां लंघ चुका, पर मैं इनू कह देना चाहुंदा कि यह समा लंघ नहीं चुका, समा आ गया तो समा बन गया। पंजाब पुलिस रिटायर्ड यूनियन के जवान जिन्ने भी ने मुल्के मरण तक जाएंगे, अपनी जो धन मन धन नाल सेवा करनगे। लेकिन मैं इत्थे जो भी साडे बीजेपी के लीडर ने, मैं उन्होंने भी बेनती करांगा कि तुसी पंजाब दे वासी हो, एक कम गलत नूं गलत को एक पार्टी के इशारे ते लग के आपां गलत लैक्चर ना करी जाइए। आपां सिर्फ जो असल है असल करिए। जो मैं इत्थों दे साडे एम पी साहब ने सुवेद मलिक जी, उन्होंने भी बेनती करांगा, मलिक साहब तुसीं पंजाब दे वसनीक हो, पंजाब दे वासी हो, पंजाबी हो, साडे भरा हो, तुसीं उठ के हाँ दा नारा मारो ते अज तुसीं रिजाइन करो ता कि जो पंजाब दे लोग ने ताडे नाल हो के तुरन, ताडे नाल चलन। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੰਪਲਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਚਲੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਪੇਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ
सारे आपस के बह के सलाह मशुरा करके कि अगली हड्डी रणनीति की है। अगली रणनीति से आप दिल्ली नू कूट करके दिल्ली के फ्रंट पर जाके लड़ांगे, किसानों तो अगे होवांगे, अगे हो के जिन्नी तन मन धन ते अपनी जान नाल सेवा कर सकांगे वो करांगे, ते फ्रंट ते हर गल गिरफ्तारियां देवांगे, मरन की लोड़ पई ते मरांगे। सो तुसीं देखिया कि अज लगातार ही पंजाब का हर एक वर्ग जिहड़ा आ वो किसानों के हक जिहड़ा हक दे विच नितरदा होया नज़र आ रहा, और उन्हां दा कहना यही भी है कि असी किसानों के लिए जान देने भी तैयार हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जिहड़ा आ इस उत्ते दोबारा जिहड़ा आ विचार जरूर करना चाहिए। लेकिन ईडी दे वल्लों कीती गई कार्रवाई ते बोलदे उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेशराइज़ करने वास्ते सारा कुछ किया जा रहा है, अदरवाइज़ पहले ईडी कितने सी जदों जो अज के कपले नहीं होणगे, कपले पुराने होणगे, लेकिन कितना कितने एक बार फिर तो किसानों के हक में एक्स पुलिस परसन जिहड़े ने जो वो खड़े हो चुके हैं। उन्हां दा यह भी कहना है कि जेकर जान देने की जरूरत पई तो सब नों पहलों वो अपनी जान जरूर देणगे। कैमरामैन मनोज के नाल गुरप्रीत सिंह, वर्ल्ड पंजाबी टीवी, अमृतसर।